So, hey everyone, welcome back to another very important video session from your own channel, Ozone Classes. My name is Vipin Kumar Sharma, and in this particular video, this another important and very beautiful session of Morning Bites, we are going to talk about old is gold. येस यू हैर्ड इट राइट अभी तक आप लोगों ने सुना होगा ओल्ड इज गोल्ड यानी पुरानी चीजें जो होती हैं बहुत ही मूल्यवान होती हैं पुराने लोग बहुत ही मूल्यवान होते हैं उनके अंदर जो ज्ञान भरा हुआ होता है वो बहुत ही ज्यादा प्रेशियस होता है लेकिन आज हम बात करेंगे अबाउट अ फ्रेज दैट इज ओल्ड इज गोल्ड और उसके पीछे कुछ साइंटिफिक एविडेंसेज हैं जैसे जैसे आप उन साइंटिफिक एविडेंसेस को समझते जाएंगे आपके कंसेप्ट जो है क्लियर होते जाएंगे प्लस आपको अपनी बॉडी के बारे में बहुत सारी चीजें पता लगेंगी सो लेट्स प्रोसीड एंड लेट्स यू नो जस्ट गो थ्रू द कॉन्टेंट सो दीज आर सम इंपॉर्टें सोशल मीडिया हैंडल्स ऑफ माई आई एम 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 वेरी एक्टिव ऑन टेलीग्राम आई 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 यूज टू पुट इच एंड एवरी लिंक ऑफ माई वीडियो ऑन माई टेलीग्राम चैनल सो प्लीज मेक शोर की आप ओजोन क्लासेस नाम के टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो जाए वी डू हैव अनदर बैकअप चैनल ऑन यूट्यूब आई रिक्वेस्ट यू गाइज कि आप लोग ओजन क्लासेज टू पॉइंट ओ नाम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अगर आप दोस्ती यारी बात बात करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं विपिन शर्मा बायोजी इज माई इंस्टाग्राम हैंडल सो दिस इज अना द वेरी एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ मॉर्निंग बाइट्स एंड वी आर गोइंग टू रीड समथिंग वेरी न्यू ओवर हिर फर्स्टली वी आर गोइंग टू टॉक अब दैट वट इज द बेसिक प्रोसीजर वट इज द बेसिक मैकेनिजम बाय विच योर बॉडी गेट फीवर बिकॉज इट बिकम्स वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर अस टू अंडरस्टैंड की फीवर होता कैसे है अगर आपको वो बातें समझ में आ गई तो आप जो है उसे लिंक कर पाओगे इन एन अडल्ट इंडिविजुअल एंड इन एन ओल्ड इंडिविजुअल सो आई एम गोइंग टू टेल यू द मकैनिज्म विद व वेरी ब्यूटिफुल एनिमेशन ड्रॉन बाय मी So, here let's say some sort of pathogen has infected your body, and the pathogen, let's say it is a bacteria, it would be having lipopolysaccharide coat on itself, right? So there are some sort of infectious agent which must be having lipopolysaccharide. So these kind of things would be activating the monocytes that are present in your bloodstream. Okay, these are the important immune cells which. So ब्लड में फ्लो करते रहते हैं तो मोनोसाइट आपका वो पर्टिकुलर स्टेज है जो कि आपका ब्लड में रोम करता रहता है और वो पैथोजन को आसानी से डिटेक्ट कर सकता है जैसे ही मोनोसाइट आपके एक्टिवेट होंगे या आपके पायरोजेनिक साइटोकाइंस को यू नो जनरेट करना स्टार्ट कर देंगे जैसे आई एल सिक्स यानी इंटरल्यूकिन सिक्स आई एल वन यानी इंटरल्यूकिन वन एन टीएनएफ अल्फा यानी ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा इनके नाम आपको याद नहीं करने इसलिए मैंने यहां पर शॉर्ट फॉर्म में ये सारी चीजें लिखी है पायरोजेनिक का मतलब क्या होता है पायरो पायरोमींस टेम्परेचर एंड जेनिक मीन जनरेटिंग यानी जब आपके मोनोसाइट एक्टिवेट होंगे और वो काफी सारे आपके और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर को एक्टिवेट कर देंगे ये चीजें आपकी बॉडी में इकट्ठी होती हैं अक्यूमुलेट होती हैं और आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है इसीलिए इन्हें पायरोजेनिक कहा गया एंड वाई इट इज सो इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज योर बॉडी टेम्परेचर सम पैथोजन अटैक योर बॉडी इट बिकम्स वेरी वेरी असेंशियल फॉर अस टू सप्रेस देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी और आपको पता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की मेटाबॉलिक एक्टिविटी तब

यहां पर जो है बेसिकली जब आपका सिग्नल पहुंचेगा वाया एलपीएस और वाया योर इंटरल्यूकिन तो यहां पर जो है आपका प्रोस्टाग्लैंडिन ई टू जो है सिक्रीट हो जाएगा और प्रोस्टाग्लैंडिन ई टू जो है आपका आगे चलकर इसके लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं जिसे आप बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर ई थ्री So, इस रिसेप्टर की मदद से ये जो है बेसिकली आपका इन्वेड कर सकेगा आपके हाइपोथेलमस के सेल्स के अंदर और फर्दर ये जो सिग्नल है ये जो आपका यहां पर रिसेप्टर प्रेजेंट है जब ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो अंदर आपके सेकेंडरी मैसेजर्स जनरेट हो जाएंगे जो कि सिग्नल आपके इंपॉर्टेंट सेल्स तक लेकर जा पाएंगे और आपके जेनेटिक मटेरियल तक जो है पर्टिकुलरली इस सिग्नल को इंड्यूस करवा पाएंगे सो so यहाँ पर आपके न्यूरो होते हैं जैसे कि एसिटाइल कोलाइन और आपके सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं जैसे कि आपके साइक्लिक एएमपी वगैरह ये जो है आपके थर्मो सेंटर तक आपके सिग्नल को लेकर जाते हैं कि यार पाइरोजन आ चुके हैं इंटरल्यूक्स आ चुके हैं ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर आ चुका है आपके एलपीएस आ चुके हैं अब हमें हमारा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा सो so ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन की रिसेप्शन की वजह से थर्मो रेगुलेटरी सिग्नल के पास सेंटर uh, के पास सिग्नल गया है ये आपका जो सेट पॉइंट होता है उसे इलिवेट कर देता है यानी आपका जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर उसे थोड़ा सा इंक्रीज कर देगा एक दो डिग्री इंक्रीज कर देगा और इसे हम लोग हीट रिस्पॉन्स बोलते हैं और इस हीट रिस्पॉन्स की वजह से आपकी बॉडी में फीवर जो है आ जाता है अब हमने इतनी राम कहानी क्यों पढ़ी देखा एकदम ब्यूटीफुल है पहली बात तो इस चीज़ को अप्रिशिएट करो कि आपकी बॉडी में इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं और ये बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में मैंने आपको बताने की कोशिश की है क्योंकि आप लोगों को फिलहाल बायोलॉजी की फिजियोलॉजी की बायोकेमिस्ट्री की के उतनी डीप नॉलेज नहीं सो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू सिंप्लीफाई द थिंग्स टू द मोस्ट पॉसिबल एक्सटेंट सो so, यहां पर आपका फीवर हो जाएगा और आपके जो पैथोजेंस हैं वो बॉडी में ग्रो करना कुछ हद तक बंद कर देंगे और उनकी ग्रोथ जो है कहीं ना कहीं इनिबेट हो जाएगी हमने इस बात को क्यों पकड़ा हमने इस बात को इसीलिए पकड़ा क्योंकि यहां पर जो ओल्ड इंडिविजुअल्स होते हैं यानी जो आपके एल्डरली इंडिविजुअल्स होते हैं उनके अंदर आपका इम्यून सिस्टम डिट्योरेट हो जाता है यानी कि इनके अंदर जो है थाइमस हम लोगों ने एन में पढ़ा था कि एज के साथ छोटा होता रहता है इट इज गोइंग टू रेग्रेस ओके और इसीलिए आपकी इम्यून कैपेसिटी जो है आपके बूढ़े होने के साथ साथ खत्म होती चली जाती है तो पहली बात यह है कि बूढ़े लोगों में इम्यून सिस्टम उनका वीक रहता है और इसीलिए आपका पायरोजन सिंथेसिस जो है या फिर आपका एक्टिवेशन जो है उतना अच्छे तरीके से नहीं हो पाता कि आपकी बॉडी में फीवर बहुत जल्दी आ पाए सेकेंड जो पायरोजन प्रोडक्शन हुआ था यानी जो आई एल और आपके टी अल्फा बने थे उनकी प्रोडक्शन यहाँ पर बहुत बहुत डिक्रीज हो जाती है राइट right? बिकॉज आपके इम्यून सेल्स ऑटोमेटिकली अगर डिक्रीज हो गए हैं तो पायरोजन प्रोडक्शन भी डिक्रीज हो जाएगी और इसकी वजह से जो है बूढ़े लोगों में फीवर बहुत जल्दी नहीं आता और अगर फीवर आता भी है तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर उतना नहीं बढ़ता जितना एक अडल्ट के केस में बढ़ जाता है थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग ए टिपिकल मैनिफेस्टेशन यानी जैसे कि आप कोविड की अगर बात करते हैं तो कोविड के केस में हम लोग देख रहे हैं कि आपकी वैक्सीन्स वगैरह तैयार की जा रही है और काफी सारे एंटीवायरल ड्रग्स जो है लोगों को दिए जा रहे हैं विदाउट इवन टेस्टिंग के इसमें काफी सारे अलग अलग एज ग्रुप्स के लोगों पर क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा जैसे कि आपका हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सिक्लोक्विन से पहले क्लोरोक्विन नाम की एक दवा थी जो कि हम लोग देना स्टार्ट कर चुके थे काफी सारे पेशेंट्स को उन पेशेंट्स में आपके एल्डरली पेशेंट्स भी थे और जो एल्डरली पेशेंट्स थे क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम इस लायक नहीं था कि वो इस यू you नो know, क्लोरोक्विन ड्रग को झेल जाए तो वहां पर काफी सारी ऐसी मैनिफेस्टेशं आने लगी यानी काफी सारे ऐसे सिम्टम्स आने लगे जो कि आपके बहुत ही ज्यादा अलग थे यानी उन्हें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होने लगी उन्हें आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगी उन्हें मस्कुलर प्रॉब्लम्स uh, होने लगी उन्हें गेस्ट्रो इंटस्टाइनल प्रॉब्लम होने लगी उन्हें कार्डियक प्रॉब्लम्स होने लगी उन्हें रीनल प्रॉब्लम्स होने लगी और उन्हें आपके यू uh, नो you know, काफी सारे और भी आपके लिवर वगैरह यानी हेपेटिक हेपेटिक्लोब्यूल से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स होने लगी सो so, उनकी बॉडी में जो ड्रग है वो एक अडल्ट के कंपैरिजन में ज्यादा रोबस्ट तरीके से अटैक कर रहा था यानी कि वो उन्हें जो है आपके कुछ साइड इफेक्ट्स भी दे रहा था एंड दैट्स व्हाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रीट ईच एंड एवरी ड्रग टू टेस्ट ईच एंड एवरी ड्रग इन द डिफरेंट और वेरिएबल एज ग्रुप्स सो दैट हमें पता लग सके कि, कि किस पर्टिकुलर ड्रग का किस स्पेसिफिक एज ग्रुप में क्या जो है इफेक्ट होने वाला है ए टिपिकल मैनिफेस्टेशन क्या होती है अभी जो वृद्ध लोग हैं जो बूढ़े लोग हैं उनमें कोविड को पता लगाना क्यों मुश्किल हो पा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स ए पायरोजेनेसिटी यानी कि यहां पर जो इनकी बॉडी में कम फीवर आने की गुंजाइश है क्योंकि हमारे सबसे कॉमन फीचर्स क्या है कोविड के कि खांसी होगी यू you नो know, जुकाम हो जाएगा थोड़ा बहुत माइल्ड फीवर आ जाएगा तो हमें पता लग जाता है दैट यस यू कैन बी सिम्प्टोमेटिक फॉर द कोविड 19 बट इन केस ऑफ ओल्डर और एल्डरली पर्सन इट्स नॉट पॉसिबल टू ट्रीट और डायग्नोस दिस पर्टिकुलर थिंग अर्ली बिकॉज उनमें जो है फीवर बहुत जल्दी नहीं आता और आता भी है तो डिटेक्ट होने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है दैट्स वाई दिस टॉपिक वॉज वेरी इंपॉर्टेंट ओल्ड इज कोल्ड यानी अगर आपको कोविड को भगाना है या फिर अगर आपको किसी भी बीमारी के किसी भी ड्रग को टेस्ट करना है तो आपको ओल्ड के लिए जो है स्पेसिफिक एहतियात बरतनी पड़ती है और अगर कोविड से हमें यू नो बचना है बेसिकली तो हमें जो है ए टिपिकल मैनिफेस्टेशन पर भी ध्यान देना पड़ेगा यानी आपके जो बच्चे हैं बच्चों के अंदर भी काफी सारी और डिजीज है जो कि कोविड की, की वजह से आ रही है आपकी एक कावासा की डिजीज नाम की डिजीज है जो कि बच्चों में तीस गुना तक इंक्रीज हो गई है अगर वो ससेप्टेबल है कोविड के लिए तो यानी कि कोविड सिर्फ अपने नॉर्मल सिम्टम्स नहीं लेके आता काफी बार कुछ और बीमारियों को भी बढ़ा देता है तो सिमिलरली यहां पर सिम्टम्स को देख पाना बहुत मुश्किल है ओल्डर ऑर्गेनिजम्स में तो इसीलिए यहां पर जो है आपके स्पेसिफिक मेजर्स अपनाना बहुत बहुत क्रिटिकल हो गया है हम सब लोगों के लिए सो so आज आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्यों कहा जाता है ओल्ड इज कोल्ड एंड आई होप यू गॉट दिस मैकेनिज्म वेरी वेल एंड आई एम रियली हैप्पी कि मैंने ये बनाया और अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करके या फिर कॉमेंट करके एटलीस्ट ये बताएं कि आपको वीडियो कंटेंट कैसा लगा बिकॉज दिस वॉज एन एक्सपेरमेंट फ्रॉम माई एंड जिससे मैं आप लोगों को कुछ ऐसा बता सूँ जिससे आपको बायोलॉजी को यू नो सच में प्यार हो जाए बायोलॉजी इज अ व वेरी कूल सब्जेक्ट इफ़ यू ट्राई टू गेट योर सेल्फ आउट ऑफ द यू नो स्पेसिफिक रिसोर्स मटीरियल अगर आप रिसोर्स मटीरियल से बाहर जाके पढ़ते हो अगर आप अपने लिमिट्स को पुश करते हो तो आप बायोलॉजी में कुछ ऐसा देखोगे जो कि शायद कोई और ना देख पाए और तब आप अपने आप को यू नो एक बहुत ही अच्छा बायोलॉजी लवर कह पाओगे एक बहुत ही बड़ा बायोलॉजी एंथुजियास्ट कह पाओगे अगर आप नई नई चीज़ों को सीखने पर थोड़े ज़्यादा फोकस रहोगे तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू सो मच गाइज लॉट्स ऑफ लव एंड आई कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो आज हम काफ़ी सारी वीडियोस लेकर आने वाले हैं तो प्लीज मेक श्योर आप इस वीडियो को पसंद करें थैंक यू